दिस इज अनुराग ठाकुर फॉर ब्रूट। जैसे हमने देखा था YouTube के कुछ चैनल्स हैं जिन्हें बैन कर दिया गया जो फेक न्यूज के थे, तो क्या आप हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं कि डिजिटल को कैसे देख रही है गवर्नमेंट और क्या पॉलिसीज ऐसी हैं जो कंटेंट क्रिएशन को आगे बढ़ा सकती हैं? जहां तक यूट्यूब चैनल्स को बैन करने की बात है, वेब पोर्टल्स को बैन करने की बात है, तो ये केवल उनको किया गया है जो भारत और भारतीयों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, देश में भय भ्रम और भ्रांति फैलाने का काम कर रहे थे, और जो देश के खिलाफ काम करते उनके खिलाफ ही कड़ी कार्रवाई की गई, उसका देश भर के लोगों ने स्वागत किया है। तो मुझे लगता है आप जैसे जो नए ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए जहां एक और प्रयास आपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक नया चैलेंज खड़ा किया होगा, वहीं पर अगर कोई खराब बात करता है, भय भ्रम फैलाता है, झूठ फैलाता है, तो उससे कहीं ना कहीं आप लोगों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होने शुरू होते। तो मुझे लगता है हर कोई प्रयास करता है कि फिल्टर हो ताकि जो गलत लोग हैं वो बाहर निकलें जो देश के प्रति खिलाफ। डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नई इनोवेशंस हो रही, नए लोग आ रहे हैं, नई युवा पीढ़ी या कोई पुराना भी है, लेकिन अगर वो इनोवेशन करना चाहता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहता है, उसके पास प्लेटफॉर्म्स है। आज आप कोई बहुत बड़ा कैमरा लेके नहीं चल रहे, आप अपने स्मार्टफोन के साथ मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे ही आज के युवा अपनी प्रतिभा को अपने फोन्स के माध्यम से शूट करके बहुत बड़े स्टार्स बने, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में बने। तो फर्क ये पड़ता है कि अगर आपके कंटेंट में दम है तो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बड़ी ताकत बन जाता है। तो कंटेंट की ताकत, और जो अच्छा कंटेंट बनाता है, इनोवेट करता है, वो आज बहुत बड़े स्टार है। उनको फिल्मों में आने की जरूरत नहीं पड़ी, उनकी कमाई बहुत सारे टीवी और फिल्म स्टार से ज्यादा है। तो जिसमें कला है, जिसमें वो काबिलियत है, उसको कोई रोक नहीं पाता। और जहां तक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात है, हमने तो अधिकार ही उनको दे रखे हैं, उनको ही दे रखे हैं। कोई उनके खिलाफ अगर कोई ऑब्जेक्शन भी आता है, कोई कंप्लेंट आती है, उनको अपने स्तर पे ही उसको करना है। और वो अभी तक तो अच्छा चल रहा है, मुझे पूर्ण आशा है वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और अच्छा करेंगे। जो मैं आपसे समझ रही हूँ कि एक है गाइडलाइंस जो सेल्फ सेंसरशिप के लिए है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की जो वो कहें, और दूसरा ये है कि कंटेंट क्रिएशन यंग पीपल जो कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल प्लेटफॉर्म तैयार है इंडिया मैं में। बड़ा स्पष्ट कर दूं आपको जी, सेल्फ रेगुलेशन हमने इसलिए की है और उन पर ही जिम्मेदारी दी। यू लुक एट द प्रिंट मीडिया, इट्स द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया व्हिच लुक्स आफ्टर दैट, राइट। लुक एट द टेलीविजन, द न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एंड अदर्स, दे लुक इनटू दैट। Whether it is online mediums like yours, it's also self-regulated. It is only at the third tier which it come to the government of India for, and even that's a committee of departments. India is at the cusp of greatness with our films taking international stage more and more. Back home, बहुत सारा विवाद है Bollywood हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, South फिल्म इंडस्ट्री को लेके. As somebody who is the minister, what advice would you like to give? भारत को तो अपनी विविधताओं के लिए ही जाना जाता है, अनेकता में एकता का पाठ हमें सारी उम्र पढ़ाया गया, हर प्रांत की अपनी बोली, अपनी भाषाएं, और हम सब उसका मान सम्मान करते हैं। अगर आप इस साल की बड़ी तीन पिक्चर्स को देखेंगे, पुष्पा हो, आरआर हो, केजीएफ हो, तो लोकल कंटेंट था, रीजनल कंटेंट था, लेकिन वो नेशनल और ग्लोबल बना है, कोई उसको रोक नहीं पाया। कोरियन फिल्म होगी या किसी और देश की होगी, आज वो सबटाइटल्स के साथ दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। इट्स नॉट द लैंग्वेज विच रिस्ट्रिक्ट्स टुडे, इट इज द कंटेंट विच मेक्स यू रीच आउट टू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड एक्सेप्ट्स दैट। तो हमारी ताकत हमारी कंटेंट क्रिएशन में, भाषा कहीं नहीं रोकती है, ना देश के अंदर ना दुनिया भर में। Does India need to re-look at its censorship laws या OTT के लिए censorship is, where do we stand on content? जब कोई ऐसी स्थिति आएगी तब उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन आज की स्थिति में जो चल रहा है, जैसे मैंने पहले कहा सेल्फ रेगुलेशन की हम बात करते हैं, हमने पहले भी देखा है उसमें सब लोग अपने अपने स्तर पे करते हैं, और कहीं पे कुछ ऐसी स्थिति है तो अब किस समय देखेंगे सरकार, उस समय निर्णय करेगी, लेकिन आज की स्थिति में तो कुछ मुझे ऐसा दिखता नहीं है। और जहां तक फिल्म सर्टिफिकेशन की बात है, आप पिछले कुछ वर्षों में देखिए कोई विवाद नहीं, बहुत शांतिपूर्वक सब कुछ चलता है। और यहाँ पे फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का काम किसी को डराना, धमकाना, सेंसर करना नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है
ताकि समाज के प्रति और जो उनको ठीक उचित लगता है, जिससे समाज में कोई बुरा प्रभाव ना पड़े लेकिन कहीं पे आपकी क्रिएटिविटी पर भी कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसमें एक बैलेंस बना के रखने में बहुत सफल वो हुए। इंडिया इज यू नो द कंट्री ऑफ ऑनर एट कान, इट्स द फर्स्ट टाइम दैट दिस ऑनर हैज बीन बिस्टोर्ड ऑन अ कंट्री। फॉर एवरीबॉडी बैक होम, द यंग पीपल बैक होम, क्या आप हमें बता सकते हैं एक्चुअली इसका अस्तित्व क्या है? इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर इंडिया टू बी द फर्स्ट कंट्री हु हैज बीन बिस्टोर्ड द कंट्री ऑफ ऑनर बाय द Mashidu फिल्म एट कान फिल्म फेस्टिवल। दिस इज द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी आर सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव, द 75th ईयर ऑफ कान फिल्म फेस्टिवल एंड 75th ईयर ऑफ Indo-French diplomatic ties. So what could be a better time, what could be a better venue and a festival to have this? जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ा म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री जो है दुनिया में इंडिया में है, हम कैसे और चमक सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सितारे बनकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? ऐसी कौन सी चीजें हैं फिल्म मेकिंग में जो अब हमें करनी चाहिए और ओन करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप फिल्म मेकिंग या कंटेंट क्रिएशन क्या कर रहे हैं, क्या लोकल मार्केट के लिए कर रहे हैं कि नेशनल या ग्लोबल? आज अगर देखा जाए, कोई पिक्चर किसी दायरे में बंधी हुई नहीं है, ना वो भाषा उसको रोकती है। अगर उसका कंटेंट अच्छा है, स्टोरी अच्छी है और वो एक इम्पैक्ट छोड़ रही है अपने व्यूअर पर, तो आज वो रीजनल नहीं है, वो लोकल नहीं है, वो नेशनल और ग्लोबल होने में कोई समय नहीं है। आपसे कुछ लाइट सवाल पूछना चाहेंगे, हमने देखा है आपको पुशअप्स करते हुए, बीइंग रियली फिट, डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, क्या कोई आपका एक फेवरेट फिल्म का डायलॉग है जो आप हमारे लिए बोल सकते हैं? देखिए, डायलॉग बोलना फिल्म एक्टर्स का काम है, मेरा काम तो आपको इंटरव्यू देना है। एक शशि कपूर का बहुत पॉपुलर डायलॉग, मैं उसको थोड़ा सा ट्विक करके बोल देता हूँ। मेरे पास सिनेमा है, मेरे पास सिनेमा। Anurag Thakur, thank you so very much for speaking to Boot and giving us your time today at Cannes. Thank you. Mogambo Khushwa.